सो so, इससे पहले इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्विज में हम ऑलरेडी तीन एपिसोड कर चुके हैं अगर आपने वो तीन एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक के द्वारा आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्विज़ के आज की क्विज़ का सबसे पहला सवाल है डैश इज इश्यूड इमीडिएटली एज अ कंजिक्यूटिव सॉरी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द इंश्योर रिसीव्ड द असाइनमेंट रिक्वेस्ट बाय द पॉलिसी होल्डर मतलब क्या इशू किया जा सकता है इमीडिएटली कंक्लूजिंग एविडेंस के तौर पर दैट द इंश्योर है असाइनमेंट रिक्वेस्ट बाय द पॉलिसी होल्डर सो क्या वो पॉलिसी एक्नोलॉजमेंट होता है क्या वो एक्नोलिजमेंट लेटर होता है क्या वो कवर नोट होता है क्या वो फॉम फाइव ए होता है क्या वो फॉम ट्वेंटी फाइव होता है सो so, इसका सही आंसर होगा कवर नोट जी कवर नोट इश्यू किया जाएगा इमीडिएटली एज अ कंक्लूजिव एविडेंस के तौर पे कि पॉलिसी होल्डर ने पेमेंट कर दिया है और असाइनमेंट रिक्वेस्ट डाल दी गई है ठीक है सो so, असाइनमेंट करने के लिए ये यूज होता है कवर नोट नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज डैश काउंसिल इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास कितनी काउंसिल है सो so, हमारे पास वैसे दो टाइप के इंश्योरेंस मेन लाइन इंश्योरेंस बिजनेस है एक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है और एक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस यानी जो लाइफ रिलेटेड होता है जो एल बेचता है इकलौता गवर्नमेंट सेक्टर में और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस मतलब लाइफ के अलावा सारा जैसे मोटर हो गया एविएशन हो गया फिर मरीन uh, हो गया फिर हेल्थ हो गया फिर एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे इंश्योरेंस उसमें काउंट होते हैं

क्या वो एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी एल आई सी रेगुलेट करता है क्या वो यू टी आई रेगुलेट करता है क्या वो आई आर डी ए रेगुलेट करता है या फिर आई बी आई रेगुलेट करता है सो so हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट लग के ऐसा ही लगता होगा कि एल आई सी जैसा कोई इसको रेगुलेट करता होगा बट ऐसा नहीं है यू एल आई पी यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एल आई सी भी नहीं सी बी भी नहीं यू टी आई भी नहीं आर बी आई भी नहीं आई आर डी ए रेगुलेट करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल है इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द डैश ऑफ द इंश्योर्ड इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी होल्डर है वो जिसको हमने इंश्योर किया है कंपनी ने इंश्योर किया है सो so, इंश्योरेंस क्या प्रोटेक्ट करता है इंश्योर्ड का क्या वो फिजिकल वेल वेलबींग है क्या वो फाइनेंशियल वेल वेलबींग है क्या वो मॉरल एंड वेल वेलबींग है क्या वो रिटायरमेंट प्लानिंग है सो so, देखो रिटायरमेंट प्लानिंग तो नहीं है मॉरल वेलबींग भी नहीं होता सो so, दो ही बचा फिजिकल वेल बींग और फाइनेंशियल वेल बींग वेल बींग देखो फिजिकल कुछ होना होगा तो हो ही जाएगा वो इंश्योरेंस की वजह से बचेगा नहीं तो फिजिकल वेल बीइंग भी नहीं होगा बट फाइनेंशियल वेलबींग होगा कि अगर आपको कुछ होता है तो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल जाए इसलिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा जाता है ठीक है सो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा फाइनेंशियल वेलबीइंग well हमारा अगला सवाल है हु शुड बी अपॉइंटेड फॉर असेसिंग द क्लेम और लॉस यानी अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस पर क्लेम किया जाता है तो वो क्लेम को एसेस करने के लिए कौन किसको अपॉइंट किया जाता है क्या वो अंडर को अपॉइंट किया जाता है क्या वो इंश्योरर को अपॉइंट किया जाता है क्या वो इंश्योर्ड को अपॉइंट किया जाता है क्या वो एक्चुअली को अपॉइंट करते हैं या फिर सर्वेयर को अपॉइंट किया जाता है अगर आप इन सभी शब्दों के मीनिंग जानते होंगे तो आपको इजीली आंसर पता होगा देखो अंडर अंडर राइटर तो वो बंदा है जो कंपनी का एम्प्लॉई और पॉलिसी अंडर राइट कर रहा है मतलब अगर मुझे कोई आज पॉलिसी खरीदनी है तो मैं पॉलिसी खरीदने जाऊंगा तो सामने वाला जो एम्प्लॉय होगा वो मुझे पॉलिसी बना के देगा और एनालिसिस करेगा उसको बोला जाएगा अंडर राइटर इंश्योर यानी जिस कंपनी का मैं पॉलिसी ले रहा हूँ उस कंपनी को इंश्योर बोला जाएगा इंश्योर्ड यानी मैं जो पॉलिसी खरीद रहा है वो और एक्चुअली वो बंदा होता है जो पॉलिसी मेकिंग उसका प्रीमियम डिसाइड करता है वो बंदा सो so, ये सभी लोग तो अदर पर्सन है तो बचा एक ही पर्सन सर्वेयर जो सर्वे करने के लिए अपॉइंट किया जाता है जो एसेस करता है कि लॉस कितना हुआ है क्लेम कितना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है हमारा द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एन इंश्योरेंस एजेंट इन केस ही रिसाइड एट अ प्लेस वेर द पॉपुलेशन इज फाइव थाउजेंड और मोर इज ध्यान से सुनना मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या रहती है इंश्योरेंस एजेंट की यानी इंश्योरेंस एजेंट की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इन केस ही रिसाइड एट अ प्लेस वेर द पॉपुलेशन इज फाइव थाउजेंड और मोर जहां पे पॉपुलेशन पांच हजार से ज्यादा होगी वहां पे इंश्योरेंस एजेंट की क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी टेंथ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ग्रेजुएट और इक्विबल एजुकेशन इज नॉट क्राइटेरिया और नन ऑफ द एबो हमने प्रीवियसली इक्वीज में डिस्कस किया है कि इंश्योरेंस uh, एजेंट की एलिजिबिलिटी टेंथ स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए या तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए तो आंसर तो इन दोनों में से ही आएगा बाकी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट जैसा कुछ नहीं होता एजुकेशन इज नॉट क्राइटेरिया एजुकेशन बिल्कुल क्राइटेरिया है और नन ऑफ द एबो भी नहीं आएगा इन दोनों में से देखो सीधी सी बात है आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए अगर पॉपुलेशन पाँच से ज़्यादा है तो आपको हायर ग्रेड चाहिए रहेगा यानी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का आपके पास पास इंश्योरेंस एजेंट के क्वालिफिकेशन होना चाहिए और दूसरे अगर फाइव थाउजेंड से लेस होगा तो टेंथ स्टैंडर्ड का चल जाएगा ठीक है समझ में आई बात चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर द कमीशन इन कनेक्शन विद पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कौन एक्सेप्ट करता है कमीशन इन कनेक्शन विद द पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो कनेक्शन में होता है सो so कमीशन किसे जाता है देखो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मोस्टली कौन सेल करता है तो एजेंट सेल करते हैं सो so, uh, केवल एजेंट लिखना सही नहीं होगा यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट एक परफेक्ट टर्म है तो इंश्योरेंस एजेंट आपका करेक्ट टर्म होगा अंडर जैसे कि मैंने बताया जो बिजनेस की पॉलिसी बनाता है वो अंडर है नॉमिनी मतलब अगर मुझे कुछ हो जाता है या फिर उसकी जगह पे जिसको पैसा मिलना वाला होता है उसको नॉमिनी डिक्लेयर किया जाता है और सब एजेंट मतलब एजेंट के अंडर जो एजेंट होता है वो सो so वो तो एजेंट का ही काम है कि सब एजेंट को पैसा दिया जाए बाकी इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन एक्सेप्ट करना होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं डैश इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रेवियंस रूल सो पब्लिक ग्रेवियंस रूल जो है रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रेवियंस रूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है क्या जी आर ए फॉर्मेशन के लिए है उसका ऑब्जेक्टिव क्या वो प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या वो प्रोवाइडिंग ग्रेवियंस टू द कस्टमर है उसका ऑब्जेक्टिव एम एट रिजोल्विंग कंप्लेट रिलेटिंग टू द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है या ऑल ऑफ द है देखो, redressal of public grievance. Grievance या, मतलब आपकी जो दिक्कत हुई है और उसके लिए आपने जो कंप्लेंट किया है वो तो पब्लिक को जो दिक्कत हुई उसके लिए उन्होंने जो grievance किया है उसका निवारण के लिए मतलब ये जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट प्रोवाइडिंग ग्रीवियंसिस कस्टमर और जी नहीं होगा उसका सीधा आंसर होगा एम एट रिजोल्विंग कंप्लेन्स जो कंप्लेंट आई है उसको रिजोल्व करने का एम रहेगा रिलेटिंग टू द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो डिस्प्यूट हुआ है उसको ठीक है चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अगला सवाल है हाउ इज़ द रिफंड ऑफ प्रीमियम पे टू द इंश्योर्ड इंश्योर्ड को अगर इन केस प्रीमियम रिफंड किया जाएगा तो रिफंड ऑफ प्रीमियम कैसे दिया जाएगा यानी अगर कोई इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी बिफोर मैच्योरिंग या फिर आधे में कैंसिल करवा देता है तो प्रीमियम का रिफंड कैसे उसको दिया जाएगा क्या इन कैश दिया जाएगा क्या डिमांड ड्राफ्ट के दिया जाएगा क्या पे ऑर्डर के द्वारा दिया जाएगा या फिर पे चेक के द्वारा दिया जाएगा या फिर क्रॉस्ड चेक के द्वारा दिया जाएगा सो so इसका आंसर ध्यान रखना क्रॉसड चेक के द्वारा ही पेमेंट दिया जाएगा यदि इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी कैंसिल करवाता है और रिफंड उसको देने पात्र बनता है तो रिफंड आपको क्रॉस चेक के द्वारा ही मिलेगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल है विच सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय रिटर्सलब्लिक ऑफ रूल नाइनटीन रूल 1998 सो रिटर्सलब्लिक ग्रीवियंस रूल्स नाइनटीन रूल्स 1998 के द्वारा कौन सी सिस्टम क्रिएटेड हुई है एक्चुअली सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया गया कंज्यूमर फॉरम्स बनाए गए इंश्योरेंस ऑम्बर्डमैन बनाया गया ऑनलाइन ग्रीवियंस लॉजिंग सिस्टम बनाया गया या फिर इंश्योरेंस सर्वेयर्स बनाए गए देखो एक्चुअली सोसाइटी ऑफ इंडिया ये उससे रिलेटेड नहीं है ग्रेवियंस आया पब्लिक ग्रीवियंस मतलब वो क्लेम्स यानी आपकी प्रॉ जो आपने कंप्लेंट किया उसके रिलेटेड ही हैं सो कंज्यूमर फॉरम भी नहीं होगा ऑनलाइन ग्रीवियंस लॉजिंग सिस्टम भी नहीं होगा इंश्योरेंस सर्वे भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट बनाया जाएगा यानी इंश्योरेंस ऑम्बर्समैन वॉज क्रिएटेड बाय ऑफ पब्लिक बाई री एट ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और? और आज के सवाल हुए खत्म मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा और ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो पुराने वीडियो है वो भी जरूर वॉच कर लीजिएगा आपको काफी हेल्प मिल जाएगा एल की आने वाली एग्जाम्स में चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में